भाभी नाश्ता दे मुझे। घर में अंडे नहीं है तो भाई से मंगवा लेना। हाँ, तुम्हारे भाई के पास तो पैसे दरख्तों पे लगे हुए ना। पैसे तो वाकई दरख्तों पे लगे। रमीज आया था ना, देकर गया था 1000-1000 के नोट 3 दिन खाने के लिए, उसमें से मंगवा लेना अंडे। तुम होते कौन हो मुझसे हिसाब मांगने वाले? हम तुम्हारी तरह नहीं कि दूसरों के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगे, इसलिए खुद कमाओ और खुद खाओ। मेरा बाप मरने से पहले बहुत कुछ छोड़कर गया मेरे लिए, जरूरत नहीं है मुझे किसी की। जमाल, कुछ तो ख्याल करो। 20 घंटे गम के बादल छटे नहीं और तुमने लड़ना शुरू कर दिया। कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करो। तुम छोटे हो, बड़ों का लिहाज करना भूल गए हो। आपको मामू मेरी पतली गर्दन नजर आती है। नहीं करना मुझे नाश्ता। ठीक है, खुदा हाफिज़। अब क्या हुक्म सादर हुआ है? उम्मीद की कजन गुड़िया ने खुदकुशी कर ली। तौबा तौबा अस्तगफार, बदशगुनी पे बदशगुनी। एक इतला कम थी जो दूसरी हराम मौत की इतला आ गई। मैंने आपको कहा था ना, जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसीलिए उम्मीद नहीं आ सकी। अब आप ही बताएं, इन हालात में वो कैसे आती? देखो रमीज, उसके बाप को अगर उससे इतना ही प्यार है तो यहाँ आकर मिल ले, मगर अब वो दोबारा अपने घर नहीं जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, कैसे मुमकिन? भला मैं उसका मैके जाना कैसे बंद कर सकता हूँ? ज्यादती होगी ये। मामा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। जरा सोचिए कितना बुरा लगेगा उसे। हर बार मैं ही क्यों सोचूं? बीवी की 4 दिन की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें अपनी माँ की बरसों की मोहब्बत नजर नहीं आ रही, माँ की ममता नजर नहीं आ रही। अंधे हो गए हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? मामा कुछ नहीं हुआ है मुझे, ना किसी से मोहब्बत कम हुई है ना किसी से मोहब्बत ज्यादा हुई। आप दोनों के दम से ही मेरी जिंदगी है, भला आप कैसे सोच सकती हैं ऐसा? प्लीज, मैं इसका कुछ और हल निकालता हूँ। अच्छा, तो कब आ रही है उम्मीद? स्वयं के बाद आप कर चलेंगे मेरे साथ? हाँ, तुम अगर जाओ तो उसको बता देना कि मैं कल स्वयं हूँ। भाई तू बड़ा पागल है, पहले इतनी खूबसूरत लड़की को अपने हाथ से जाने दिया, अब अपने बाप की दौलत को अपने बाप के मरने के बाद, और तेरी माँ उसमें से 1 रुपया तेरे को नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? मुझे मेरा हक लेना अच्छी तरह से। अच्छा, और वो तेरा भाई, उसके बारे में क्या ख्याल है? हे, 1 रुपया नहीं देता तो खर्च करने के लिए भूखा मरता है। अबे तू मुझे मजीद टेंशन दिया जा रहा है, तू दोस्त है या दुश्मन? सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। मतलब क्या था? खुद कमा और जला सालों को, बता खुददार हूँ मैं। लेकिन मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। हाँ, जब काम करूंगा तो बिजनेस करूंगा, फास्ट फूड का। पैसे बहुत हैं उसमें, और वैसे भी बचा हुआ खाना अगर लोगों को खिला दो किसी को क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा आइडिया। फास्ट फूड सेंटर खोलने के पैसे हैं तेरे पास? अबे कोल्ड ड्रिंक पीने के तो पैसे नहीं है तेरे पास, फास्ट फूड सेंटर खोलेगा तू? एक काम है जिससे 1 दिन में तू अपने पूरे महीने का खर्चा निकाल सकता है। वो क्या? लगता है आजकल तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हो। आपको ऐसा लग रहा है? वरना अच्छी भली तो हूँ मैं। ये अच्छी भली? अपना रंग देखा तुमने, पीला हो गया, और आजकल तुम ठीक से खाती भी नहीं हो।
सच पूछे तो बस कुप्पू की हालत देख ही नहीं जाती मुझसे, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। एक साथ दो दो बड़े बड़े हादसे, वो तो जैसे टूट गई है। समझ सकता हूँ। आप तो कह रहे थे कि अम्मी अफसोस करने के लिए आएंगे। हाँ उन्होंने आना था, अचानक तबीयत खराब हो गई उनकी। क्यों, क्या हुआ उन्हें, सब ठीक तो है ना? शायद बीपी हाई हो गया था इसीलिए नहीं आ सकी। खैर छोड़ो इन बातों को, आइसक्रीम खाने चलें। जैसे आपकी मर्जी। ये हुई ना बात। से छुप छुपा के पैसे छुपाए जा रहे। अब्बा मुझे मुझे मेरे पैसे वापस करो। पागल हूँ, पागल हूँ मैं, जो हाथ में आई दौलत वापस कर देगा। वाह जी वाह। अब्बा मैंने कहा मुझे मेरे पैसे वापस करो, शराफत से दो। आई बड़ी बचाने वाली अपनी बच्ची को। तुम चाहते क्या हो? जवान बेटे के मरने के बाद भी तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ? वही के वही जल्लाद कमजर्फ हो। आइंदा मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना तुम। अरे ज्यादा बातें ना किया करे। मैं जो भी करूँ ना, मैं मर्द हूँ, कर सकता हूँ। और बात सुन, अगर इस छत के नीचे रहना है ना, तो जो मैं कहूँगा वो करना होगा, वरना मुफ्त की अयाशियां नहीं करने दूंगा मैं तुझे। समझ आई कि नहीं? अयाशी और तेरे साथ, तूने पूरी जिंदगी हमें दिया क्या जिल्लत और रुसवाई के? अब मेरी बेटी की कमाई पे सांप बन के बैठा है, बेखैरत, शर्म कर तू। भले एक ही तो चीज है जो मुझे नहीं आती, वो है शर्म। क्योंकि बेगैरत हूँ ना, बेगैरत, बेगैरत हूँ ना मैं इस वजह से। चले ना यहाँ से, तू दीवार से अपना सर फोड़ रही है। मर जा। क्यों दीवार से सर फोड़ रही है? अगर वाल दीवार से सर नहीं फोड़ेगी ना, तो मैं खुद सर पकड़ के दीवार से मार दूंगा। बता। वाल नोटों की खुशबू तो होती है बड़े मजे की। ख्वाब टूटे किरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही। मंजिल तुम गई, रास्ते बन गए फासले, फासले। देखते रह गए चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से जमीन चुप गई। एक उम्मीद थी वो भी टूटी हुई। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। बाप हूं मैं, दुश्मन
आप फिक्र मत करें, अपने आपकी सबका रहे दूर तक गुम गई ख्वाहिश। मुझे आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शरीफों के आने के कोई तौर तरीके होते हैं, और आप बेटे के घर पहली दफा आ रहे हैं, वो भी उसके ससुराल, और ये आधा किलो मिठाई का डब्बा लेकर। चुप से पूरे हुए जब मिले थम गए। जी जी जी, मुझे दोनों टिकट्स बिजनेस क्लास के चाहिए जी, इसी हफ्ते। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कहीं जा रहे हो? जी मामा, बेसिकली मुझे ऑफिशियल टूर के लिए बाहर जाना था, तो सोचा साथ उम्मीद को भी ले जाऊं। वैसे भी उदास रहती है और हम हनीमून पर भी नहीं जा सके। अच्छा ये बताओ, उम्मीद को पता है इस बारे में कि वो तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं मामा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। खुदा हर लड़की को मेरे बेटे जैसा जीवन साथी दे। अच्छा ये बताओ, कब जा रहे हो? इसी हफ्ते। आपकी दवा का वक्त हो गया है। दवा? कैसी दवा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। उम्मीद? मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। दरअसल उम्मीद मेरे पैर पर मेडिसिन लगाती है, इसकी वजह से मुझे काफी आराम मिल रहा है। क्या? पता नहीं कैसी दवा होगी, डॉक्टर या हकीम जाली हुआ तो? रमीज तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर ये दवा क्यों लगा रहे हो? अरे मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उम्मीद के साथ खुद गया था हकीम साहब के पास, बहुत मंचे हुए और पुराने हकीम है, मुझे काफी आराम मिल रहा है। और तुम दोनों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अम्मी अगर मुझे बेहतरी महसूस होती मैं आपको बता देती, वो बीच में गैप आ गया था वरना अब तक ठीक हो जाते। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह रमीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। जी मामा, हो गई आपकी तसल्ली। अच्छी है, फिर मैं क्यों खामखा इससे इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ? मी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। बाहर जा रहा हूं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने उम्मीद की खैर खैरियत पूछी। अभी कल ही तो गई है, ठीक क्यों? हाँ खुदा करे कि खैरियत से। अगर मुझे लगता है कि उसकी सास बड़ी सख्ती कर रही है उसको। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं थी तो कल होते ही उसने उम्मीद को वापस क्यों बुलाया? अब रुक के तो गई है, ख्याल है 4-5 दिन तो रुकी। असूलन तो उसे एक आध हफ्ता और रुकना चाहिए था। क्या मैके वालों का कोई हक नहीं होता, वो भी ऐसे नाजुक मोड़ पर? अबा तुम तो जानती हो, बड़े लोग हैं, मसूकियत होती है इनकी बात। जब वक्त मिलेगा तो उसे क्या आ जाए अफसोस कर। अब क्या फायदा,
सलीम, यही तो वक्त जब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। तमीना बेगम ने तो समझन होने का हक दिया था ना। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, और फिर किस बात का खिलाफ उनके साथ हमारा कौन सा खून का रिश्ता? अरे खून का रिश्ता ना सही, हमने बेटी तो दी है ना, और उससे तो हमारा खून का ही रिश्ता। बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये ख्याल तो एक माँ को ही आ सकता है। लगता है तुम्हारी बहू रमीज से बहुत मोहब्बत करती है, वरना सच पूछो मैं तो ये समझ बैठी थी कि पैसे के लालच में इन लोगों ने इतनी प्यारी बच्ची को ब्याह दिया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तो मेरी बहू की तारीफें कर रही हो और दूसरी तरफ मेरे बेटे के अपाहिज होने का मुझे ताना दे रही हो। अरे नहीं भाई, इसकी बातों को पॉजिटिव लो। वैसे रमीज है कहाँ, वो भी नजर नहीं आ रही है। हाँ वो एक्चुअली यूरोप जा रहे हैं, तो दोनों शॉपिंग पे गए हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो रमीज तो खुश है ना, इससे अच्छा और क्या चाहिए था। तुम भी तो यही चाहती थी ना कि बहू जल्दी लेकर आओ। मेरी बात सुनो, बहू से दोस्ती हो गई तुम्हारी या फिर रवायती सास हो? दोस्ती? दोस्ती किस बात की? जिस तरह एक अच्छी सास को होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही, बल्कि उम्मीद को मेरे पांव धो धो के पीना चाहिए जो उसे इतने बड़े घर में ब्याह कर लाई हूँ, वरना रमीज तो उसे पसंद भी ना करता। वैसे एक बात है, रमीज बहुत प्यार करता है तुमसे। आखिर बेटा किसका है? मजीदुल बेगम भी आ गई। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास आकर बैठो। हनीमून पे जा रही हूँ बेटा, मेरे लिए क्या लाओगी वहां से? अरे जो आप कहेंगी मैं वो ले आऊंगी। पता भी है तुम्हें कि यूरोप कितना महंगा है, लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, कभी गई जो नहीं, वहां पाउंड्स होते हैं। और तुमने तो समझ रखा है कि रमीज वर्ल्ड बैंक है। नहीं वो रमीज है ना, इसलिए मैंने बेधड़क आंटी को कह दिया। वैसे बेटा तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तुम वहां से अपनी सास के लिए और मेरे लिए खुशखबरी लेके आना। क्या? भाई जल्दी से अपनी सास को दादी बनाने की खुशखबरी। भाई रौनक हो जाएगी बच्चे के आने से और रमीज की मोहब्बत में इजाफा भी हो जाएगा। क्यों थे मीना, तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? उम्मीद बेटा तुम जाओ, जाकर पैकिंग करो। क्या छुपा रहे? इधर दिखा। कुछ नहीं, बोलते मैंने खुद देखा है तुझे, वो क्या छुपा है इधर दे। अरे अम्मा क्या हो गया, अगर मेरी चीजें छुपा रहा हूँ तो मेरी चीजें तुम्हें इससे क्या? अरे तेरा क्या इससे लेना देना, इधर दिखा मुझे ये क्या है। अम्मा छोड़ो। पैसे कहाँ से लिए तूने? ये चोर मेरे पैसे। अम्मा दो मुझे, छोड़ो। चल हट यहाँ से, मुझे बता ये कहाँ से लिए तूने? भाई के पैसे चुराए? नहीं भाई, कौन सा भाई, किस भाई की बात कर रही हो? बाप की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी, मुझे आंखें दिखा रहा था जैसे मैं यतीम हो गया हूँ, उससे मैं भीख भी ना लूँ। ज़्यादा बकवास मत कर, एक थप्पड़ देगी ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। पैसे दो अम्मा मेरे। अरे दे दे। नहीं अम्मा छोड़ो। अरे तू छोड़ो, दे अम्मा इधर, दे इधर। अम्मा दे दो मुझे। क्यों दे दूँ? चोर ना। चोरी नहीं किया मेरे अपने। मुझे सीधा सीधा बता ये आएगा कहाँ से? मैंने कमाया मेरे पैसे, मैं जहाँ मर्जी से लाया हूँ, तुम्हें जवाब देनी हूँ मैं। है मुझे जवाब देनी है? क्यों जवाब दे नहीं है, है? अम्मा क्या किया तुमने, मेरे पैसे फाड़ दिए। अम्मा तुमने मेरे पैसे फाड़ दिए।
क्या किया तुमने? माफी दे, और मैं किसी को जवाब दे नहीं मेरा जो दिल चाहेगा समझा? ऐसे लाया कहां से? तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? जी बेगम साहिबा, मगर मुझे डर लग रहा है अगर रमीज साहब को पता चल गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इस घर में मेरे नाम का सिक्का चलता है ना कि रमीज का। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती, इसका अंदाजा नहीं है समझी? जी बेगम साहिबा, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। शाबाश, जाओ। शैला। जी अम्मी। बेटा खाना खा लो। अम्मी मुझे भूख नहीं है, पहले मैं ये जॉब सर्च कर लूँ। तुम नौकरी करोगे? हाँ तो क्या हो गया अम्मी? और वैसे भी आपको तो पता है ट्यूशन से इतनी फीस कहाँ निकलती है, तो बस। लेकिन बेटा तुम्हारी पढ़ाई। अम्मी एमए नहीं करूँगी तो क्या हो गया? सारी दुनिया की लड़कियाँ क्या एमए करती हैं? और वैसे भी हमारे मुल्क में एमए किया पीएचडी किया सभी रुल रहे हैं। लेकिन बेटा एमए करना तो तुम्हारा ख्वाब है। ख्वाब तो न जाने क्या क्या, मगर जरूरी थोड़ी है कि सारे ख्वाब पूरे हों। शैला। जी अम्मी। बेटा तुमने अभी तक दिल से मुझे माफ नहीं किया है ना? अम्मी आप अभी तक वही पुरानी बातें लेकर बैठी हैं, क्या हो गया आपको? नहीं, क्योंकि तुमने मुझे आज तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बेटा मैं रोज जीती रोज मरती। दूसरी शादी के बाद मेरा सहनी सुकून बर्बाद हो गया और तुम्हारा सारा बचपन कितनी अज़ियत और बेसुकूनी में गुजरा है। तुम्हारे साथ हुई इस नाइंसाफी की सजा मुझे खुदा ने इस दुनिया में ही दे दी, तुम्हारे भाई को छीन के। प्लीज कंसर माँ को माफ कर, तुम्हें अपने बाप का वास्ता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? मैंने अपने बाप के साथ गुजारा, बहुत प्यार था, सब दिल में एक तकलीफ सी रहती है कि माँ बाप दूसरी शादी करने से पहले तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं सोचते कि जुदाई से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप रोए तो नहीं, चुप हो जाओ। अब तो मुझे खुद से ज्यादा आपकी फिक्र लगी रहती है और मैं चाहती हूँ इस उम्र में आपको ज़हनी सुकून देकर एक खुशहाल जिंदगी, और देख लीजिएगा बहुत जल्दी मैं ऐसा करने वाली हूँ, बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे आपको इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। चलो खाना। एक शर्त, आपको भी मेरे साथ खाना खाना है। मुझे पता है सुबह से आप भी भूखी हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया। चलो चलो। क्या पक्का है आज? एक बात कहूं? कहो। पहले आप प्रॉमिस करेंगे आप हंसेंगे नहीं? अरे हंसने वाली बात होगी तो हंसूंगा, वरना नहीं हंसूंगा। ठीक है फिर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप हंसेंगे। अरे बता भी दो ना, वैसे भी पैकिंग कर करके थक गया हूं मैं, थोड़ा तो हंसने दो। अच्छा सॉरी, चलो बताओ ना। वो मुझे ना
जहाज में बैठने से बहुत डर लगता है। आप हंसना शुरू हो गए ना, मैं नहीं बताऊंगी। ओके, आई एम सीरियस। पक्का? वो मैं कह रही थी कि मुझे ना जहाज में बैठने से बहुत डर लगता है। अब वैसे तो मुझे पता है कि वो कैसे ऑपरेट होता है, लेकिन सोचा जाए तो बगैर किसी सहारे के हवा में अगर बीच में रुक गया तो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही, अगर बीच में रुक गया तो क्या, सब उतरेंगे और धक्का लगाएंगे। बेवकूफ समझा है आपने। लिटरली धक्का लगाएंगे और जहाज चल पड़ेगा। कम इन। साहब जी नीचे जल्दी चलें, बेगम साहब गिर गई हैं। देखने के लिए आ रही थी ऊपर और पांव फिसल गया। पैर फिसल गया? लेकिन कैसे? पता नहीं बेटा, यहाँ कैसे तेल पड़ा हुआ था उसी से फिसल गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, ये सफाई की है तुमने? बोलो, जवाब दो। रमेश साहब मुझे क्या पता तेल किसने गिराया, और हम में से तो कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं करता। और हाँ, दुल्हन बीबी तेल लेकर ऊपर जा रही थी, शायद इन्हीं से गिर गया होगा। उम्मीद, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तेल की बोतल ऊपर लेकर गई तो थी, लेकिन मैंने तेल नहीं गिराया यहाँ पर रमेश। दुल्हन बीबी, तो तेल अपने आप तो नहीं गिराना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने जानबूझकर तेल गिराया है? ये तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो, छोड़ो इस बात को। मामा आप रुकें, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अरे बेटा कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, कमो तुम जाओ जाकर पानी गर्म करो, गर्म पानी में पाँव रखूंगी, ठीक हो जाओ। मामा आप चले, हॉस्पिटल चले। नहीं मैं ठीक। उठे उठे, मामा का कमरा रेडी करवाओ, चाबी लेकर आओ। कमरा एहतियात से। सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ, रमीज और बहन जी कैसी हैं? वो रमीज तो ठीक है, बस थोड़ी देर पहले अम्मी फिसल गई थी तो उनके पाँव में चोट लग गई है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी उनको? पता नहीं अब्बू, अब रमीज आएंगे तो पता चलेगा। मुझे इतला जरूर करना, और देखो उनकी खिदमत में कोई कसर मत छोड़ना। तुम्हारी माँ जैसी है वो? मेरी माँ ही है। ठीक है अब्बू। अब वैसे हम यूरोप जा रहे थे। यूरोप? वो दरअसल ऑफिस के सिलसिले में जा रहे थे तो मुझे कहा कि तुम भी साथ चली जाना, मैं 10 दिन की छुट्टी ले लूंगा। उम्मीद बेटा, तुम्हारी सास की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते? जी ठीक है, लेकिन मैं रमीज से क्या कहूंगी अबू? उसे कहो कि फिर कभी चले जाएंगे, अभी उसकी माँ को तुम्हारी जरूरत है। बेटा मेरी बात क्या बुरा मनाना, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, बाप हूँ, तुम्हें समझाना बेटा मेरा फर्ज है, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है अबू, जैसा आप कहेंगे वैसे कर दूंगी। शाबाश शाबाश। अच्छा और आप बताएं क्या कर रहे थे?
तेरा तुझे कभी माफ नहीं करेगा कम्मो। तूने इतनी अच्छी दुल्हन बीबी पर झूठा इल्जाम लगा दिया, पर मरती क्या ना करती, बड़ी बेगम का हुक्म जो था। मगर तू किस तरह दुल्हन बीबी से नजर मिलाएगी? पर दुल्हन बीबी तो सुबह जा रही है। चलो ये भी अच्छा है, वो ही सारी बात भूल चुकी होंगी। देख रमीज, क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी के पाँव का मूंछ कैसा है अब? खुदा का शुक्र है, सिर्फ मूंछ आई है, मैं तो डर गया था। मगर मैं तुम्हारे होते कभी नहीं डरती। मामा अब आप सिर्फ आराम करेंगी एक हफ्ते के लिए, नो वर्क। और वैसे भी कल तो तुम दोनों ने चले ही जाना है, फिर सारे काम मुझे ही तो देखने हैं। नहीं हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और मेरे लिए सबसे पहले आप और रमीज हैं, बाकी चीजें बाद में। उम्मीद आज एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अम्मी आप सच कहती थी, आपने मेरे लिए वाकई एक कोहिनूर का हीरा ढूंढा जिस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। आखिर पसंद किसकी है? लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। मैंने हरगिज ये नहीं चाहा था। उम्मीद के कितने अरमान होंगे कि मुल्क से बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी। मेरे ख्याल में तो उम्मीद ने आज तक कराची से बाहर कदम नहीं रखा होगा, है ना उम्मीद? कोई बात नहीं अम्मी, बाहर घूमने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, इस वक्त आपकी सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मामा आप आराम करें, ठीक है? जी मैं अम्मी को उनके कमरे तक छोड़ कर आती हूँ। शुक्रिया। ज्यादा चोट तो नहीं आई उन्हें? हमें उनकी खैरियत के लिए जाना चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं उम्मीद से पूछ लूंगा कि कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। हयादत का भी कोई वक्त होता है क्या? इन बड़े लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है शायद। ये हमारी तरह बारिक थोड़ी होती। बगैर इजाजत किसी के घर इस तरह चले आना शरीफों का शेवा नहीं। क्या हुआ मामू? चाय के रंग से लग रहा है तुमने चाय आज बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया मामू। ठीक है फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अमजद से इजाजत लेकर आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं। औरत एक दिन भी हमारे घर नहीं आई, ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भुलाकर गले लगाने आ जाता है, तो फिर समझन है। लेकिन अम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, असूलन इखलाकन उनको आना चाहिए था। अफसोस कर खुद को बहुत अफलातून समझती है। देखना उसका ये तकब्बुर उसको ऐसी मार मारेगा सारी अनाधरी की धरी रह जाएगी।
अरे बड़ों बड़ों का तकबर मैंने ढेर मुझे देखा है। हो सकता है वो आना चाहती हूँ मगर मगर क्या शहर में कर्फ्यू लग गया था क्या? दफा करो आप। दफा नहीं कर सकती सलीम, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर वो औरत हमें हकीर और कोई मामूली कीड़ा समझती है तो मेरी नजर में भी उसकी हैसियत एक रद्दी से कम नहीं। तुम्हें मिलना है तो मिलो, तुम्हारी बेटी का ससुराल है। बहन क्या होती है? वो तो बेवा हो गई, जिसके जी पे सारा जोर चलता था वो तो मर के एक सबक दे गया। काश उसके जीते जी में उसकी कदर कर लेती तो। अल्लाह ताला मगफरत फरमाए।